हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। करमन को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यूज जो कि लिए गए हैं 13 मई 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हम पहले डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसने ASTM मानक आधारित बैक्टीरिया निष्पादन में सक्षम फेस मास्क तैयार किया। ऑप्शन थे IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, IIT मुंबई। जो इसका करेक्ट आंसर था वो था IIT दिल्ली। और जो सबसे पहले आंसर दिया गया, जो करेक्ट आंसर दिया गया, रोहित कुमार, आकाश शर्मा और प्रवीण जी ने दिया। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, IIT दिल्ली की स्टार्टअप नैनोसेफ सॉल्यूशंस ने COVID-19 के खिलाफ लड़ने के लिए रोगाणुरोधी मास्क विकसित किया है। और यह पहला ऐसा फैब्रिक मास्क है जो कि रोगाणुरोधी भी है और धोने योग्य भी है। यह मास्क ASTM मानकों का अनुपालन करता है। ASTM का पूर्ण रूप है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन है। यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन है जो सामग्री, सेवाओं और उत्पादों के लिए तकनीकी मानकों को विकसित और प्रकाशित करता है। ASTM का जो मुख्यालय है वो पेंसिल्वेनिया में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1898 में हुई थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैप में देखते हैं, यह है दिल्ली और दिल्ली जो अपना बॉर्डर शेयर करता है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ करता है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 2.18 करोड़ है। और ये डिज़ाइनर जो हैं यहाँ के वो राज रेवल जी हैं और जो CM हैं अरविंद केजरीवाल जी हैं। इसी के साथ देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, कर्नाटक। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, उत्तर प्रदेश। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, यूपी सरकार के अनुसार इस ऐप को लॉन्च करने का जो उद्देश्य है वो मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना है। साथ ही इस ऐप की सहायता से मजदूरों की स्वास्थ्य और पर निगरानी में सहूलियत होगी। सरकार के जो विभिन्न भागों द्वारा आपस में सूचना प्रदान आदान प्रदान कर इन प्रवासी नागरिकों के रोजगार और आजीविका के लिए नियोजन और कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। इससे क्या होगा, इस ऐप से क्या होगा, जो मजदूर हैं उनके स्वास्थ्य पे भी निगरानी रखी जाएगी और जो सरकार के विभिन्न विभाग हैं वो भी आपस में सूचना को आदान प्रदान करने में इजी होगा और नागरिकों के रोजगार और आजीविका के लिए नियोजन एवं कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। इस ऐप का जो मुख्य विशेषता है वो है ये ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी काम कर सकती है। एक बार मैप देख लेते हैं। मैप में ये है उत्तर प्रदेश जिसकी कैपिटल है लखनऊ और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आनंदी बेन पटेल जी हैं और CM हैं यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश जो अपना बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ बिहार से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं नेपाल से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। ऑप्शन है 5%, 0%, 3%, 2%। जो करेक्ट आंसर है वो है 0%। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, जो मूडीज के मुताबिक भारत की GDP कम रहेगी,
कोरोना वायरस की वजह से देश की जो अर्थव्यवस्था का जो संकट बढ़ता जा रहा है। मूडीज ने अपने नए पूर्वानुमान में कहा कि वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में भारत के जीडीपी की वृद्धि शून्य रह सकती है। इसका मतलब है देश की जो जीडीपी की जो स्थिति है वित्त वर्ष में शून्य ही रहेगी। एजेंसी ने हालांकि वित्त वर्ष 2021-22 में वृद्धि दर 6.6% पर पहुंच जाने की अनुमान व्यक्त किया है। मूडीज के पिछले महीने अंत में कैलेंडर 2020 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 0.2% कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसाला को 12 महीने के लिए बैन कर दिया है। ऑप्शन है पंजाब, बिहार, झारखंड, कर्नाटक। जो इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, झारखंड सरकार ने पान मसाला पर 8 मई 2020 से पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। जो झारखंड सरकार ने मसालों के विभिन्न ब्रांडों की जांच में जो उन्होंने मैग्नीशियम और कार्बोनेट पाए जाने के बाद यह फैसला लिया कि जो पान मसाला है वो 8 मई 2020 से पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव सह राज्य के जो खाद्य संरक्षण आयुक्त डॉक्टर नितिन कुलकर्णी की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि पिछले साल 2019 से 20 राज्य में इन पान मसालों के 41 सैंपल जांचे गए थे जिसमें जांच अधिकांश पान मसालों में खतरनाक मैग्नीशियम कार्बोनेट रसायन पाया गया था। जो 2019 से 20 में 41 सैंपल जांचे गए थे जिनमें कि जो ज़्यादातर जो मसालों में जो खतरनाक मैग्नीशियम और कार्बोनेट रसायन पाया गया, इस मैग्नीशियम और कार्बोनेट की वजह से हृदय की बीमारी सहित अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसी के साथ देखते हैं मैप में आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे है झारखंड जो अपना बॉर्डर शेयर करता है वो बिहार से करता है, उत्तर प्रदेश से करता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल से भी ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। और जो यहाँ की कैपिटल है वो है रांची और जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन जी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के समर्थन वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने हाल ही में किस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है। ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, अमेरिका। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है भारत। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच तमाम देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो एक तरीके से चरमरा गई है। AIIB ने कहा कि यह लोन भारत सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को बेहतर बनाने के और भविष्य में कुछ ऐसा दोबारा होने से रोकने के और ट्रांसमिशन को सीमित करने के लिए यह परियोजना चिकित्सा उपकरणों की खरीद, रोग का पता लगाने की क्षमता और अनुसंधान को बढ़ाने का समर्थन करती है। जो हमारा भारत देश है वो वर्ल्ड में बाय पॉपुलेशन सेकंड नंबर पर है और बाय एरिया देखा जाए तो 7th largest कंट्री है। और जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो 135 जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो 135.26 है। और यहाँ पे जो कैपिटल है इसकी न्यू दिल्ली है, इसकी जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। और प्रेसिडेंट जी है जो भारत जो है वर्ल्ड में बाय पॉपुलेशन देखा जाए तो सेकंड नंबर पे आता है और बाय एरिया देखा जाए तो 7th largest कंट्री है। और जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो 135.26 करोड़ है। और यहाँ की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है और प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद जी हैं और जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी हैं।
इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रयासी पक्षी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 मई, 10 मई, 15 मई, 18 जून। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 9 मई। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, प्रत्येक साल 9 मई को दुनिया भर में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस दिन मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है। विश्व प्रवासी दिवस शुरुआत की पहली साल 2006 में मनाया गया वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के पर कन्वेंशन में की गई थी। इसी के साथ देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमजोर देशों के भीतर जरूरी चीज़ों के लिए सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने की अपील की है? ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व आर्थिक मंच। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, संयुक्त राष्ट्र बैंक। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, संगठन ने आगाह किया कि यदि मदद में नाकाम रहे तो भुखमरी और वैश्विक महामारी फैलेगी और अकाल, दंगे अधिक संघर्ष का दुनिया को सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता प्रमुख मार्क लोकाक ने कहा, 25 मार्च को संयुक्त राष्ट्र की ओर से की गई 2 अरब डॉलर की शुरुआत अपील को इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि आय कम होने और नौकरियां जाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। साथ ही खाद्य आपूर्ति घटने तथा महंगाई, बच्चों को भोजन ना मिलने एवं उनका टीकाकरण ना होने का साक्ष्य पहले से ही मिलने लगे हैं। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है मई महीने के दूसरे रविवार, जनवरी महीने के दूसरे सोमवार, फरवरी महीने के तीसरे मंगलवार, लास्ट ऑप्शन है अप्रैल महीने के चौथे शुक्रवार। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, मई महीने के दूसरे रविवार। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, दुनिया भर में मदर्स डे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। भारत में मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है, वहीं US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, चीन, जापान, फिलीपींस, यह खास दिन 12 मई को मनाया जाता है और अरब देशों में ये 21 मार्च को मदर्स डे मनाया जाता है। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी है? ऑप्शन है 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटा, 15 घंटा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, 12 घंटा। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने COVID-19 से प्रभावित होने की से उद्योगों एवं व्यवसायों को पुनः पटरी पर लाने के लिए ये जो कदम उठाया गया है, ये जो उद्योग और व्यवसाय हैं उन्हें पुनः पटरी पर लाने का मकसद है। और ये घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में सभी कारखानों में कार्य करने की जो पाली है वो 8 घंटे से 12 घंटे की होगी और उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि, नए निवेश को प्रोत्साहित करने और श्रमिकों के हित की रक्षा के उद्देश्य से श्रम सुधारों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कारखानों, दुकानों, ठेकेदारों एवं बीड़ी निर्माताओं को खोलने के लिए पंजीयन और लाइसेंस का कार्य 30 दिन के स्थान पर 1 दिन में होगा। इसी के साथ देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है इतिहासकार,
कलाकार, साहित्यकार इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है इतिहासकार। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, हरिशंकर वासुदेवन यूरोपियन और रूसी इतिहास और भारत रूस संबंधों के विशेषज्ञ थे। वह कलकत्ता के विश्वविद्यालय में इतिहास विभागों के प्रोफेसर, चीन केंद्र के निदेशक रहे हैं। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ कोलकाता के निदेशक के रूप में कार्य किया था। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक किया, जहां उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर और पीएचडी भी पूरी की। एक बार देख लेते हैं, यह है हरिशंकर वासुदेवन जी। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 13 जून, 11 मई। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को सभी कमेंट सेक्शन में अटेंड करेंगे और आज ही की तरह कल अगेन डिस्कस किया जाएगा इसका आंसर। हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम अगेन डिस्कस करेंगे। सो गाइज, ये थे हमारे आज के कुछ MCQs और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।